अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंटीएस टेस्ट गाइडर की तरफ से आपको अपने चैनल में वंस अगेन खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पार्ट ऑफ पीएसटी का, जो आई थिंक दिस इज पेपर सी है, जबकि सम क्वेश्चन पेपर बी के भी इंक्लूडेड है। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक भी करें। इस तरह इस चैनल को ये आपको प्रोवाइड करके डिफरेंट जितनी भी टेस्ट है पाकिस्तान में हो रही है इसका सोल्यूशन फॉर्म आपको देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका बॉटम टॉप जो है नहीं दिख रहा, इसीलिए मुझे पता नहीं लगा कि कौन सी पेपर है, लेकिन लेट आई थिंक दिस इज पेपर सी या बी हो सकता है। पेपर ए तो नहीं है क्योंकि इसका मैथमेटिकल पार्ट कंप्लीट मैंने अपलोड किया है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट फाइव पॉजिटिव इंटीजर इज। फर्स्ट फाइव पॉजिटिव इंटीजर जो है इसका अरिथमेटिक मीन किसकी बराबर है? तो अब मसला ये है कि आपने अरिथमेटिक मीन को किस तरह बनाना है। सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको क्वेश्चन समझ आए। अब ये कहते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ये होता है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर इसका जो अरिथमेटिक मीन होता है इसको सम कर दो, जस्ट सिंपल। और इसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है ये भी 5 है, इस पर डिवाइड कर दो, तो 15/5 वेरी सिंपल रिजल्ट है, दिस इज 3। तो यहां पर जो रिजल्ट है वो है ऑप्शन ए। अब इस पेपर में या ए बी सी जितना भी पीएसटी का पेपर है, आप हमारे जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें फार्मूला मैथमेटिक्स इंक्लूडेड थे, आप उस फार्मूले को देखो, इस पेपर को देखो, तकरीबन उस स्टूडेंट जो इसका सब्जेक्ट मैथ्स फिजिक्स नहीं है, मैं इसको गारंटी से कहता हूँ 15 मार्क्स उसके क्लियर है। तो अब मैं चूंकि मैंने उस वीडियो अपलोड किया, अगर किसने देखा तो लेट इसको देखे, आपको पता चलेगा। तो लेट मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू -3 इवैल्यूएट दिस। अगर यहाँ पर एक्स 2 है, वाई इज इक्वल टू -3 है, तो इसको इवैल्यूएट कर दो ताकि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये है इसकी इवैल्यूएशन, एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू -3, इसको जस्ट पुट कर दो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2² -2 × 2, वाई की वैल्यू क्या है -3। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती की है, यहाँ पर ये स्क्वेयर भी है। तो अगर यहाँ पर स्क्वेयर है तो प्लस ये एक्स की वैल्यू 2 है तो ये 9 होगा। अब ये 4 ठीक है, यहाँ पर गलती की है मैंने, तो यहाँ पर -2 -3 पावर 2 ये 9 होगा, माइनस ये 18 होगा, लेकिन माइनस होगा। अब -18 से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये -14 होगा। इस तरह 2 को भी सब्ट्रैक्ट करो तो -12 यहाँ पर रिजल्ट है। हमने थोड़ी सी गलती की स्क्वेयर की वजह से, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर ये गलती मुझे अभी नहीं दिख रही थी ये स्क्वेयर का, तो मैं बिल्कुल ऑप्शन बी को करेक्ट कर रहा था। तो बिल्कुल ये गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉनिक इज 1। अगर एक कॉनिक की इसेंट्रिसिटी 1 है तो इसकी जो ये कौन सी कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे साथ ये 4 कॉनिक्स है, इस तरह है कि यहाँ पर जो कॉनिक नंबर फर्स्ट ये एलिप्स है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पैराबोला से। पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है ये इक्वल टू 1 होता है। अब इलिप्स की जो है ये इसी से कम होता है, जबकि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी इसी से ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पर सर्कल की इसेंट्रिसिटी मैं डॉट से रिप्रेजेंट करके ये इक्वल टू 0 होता है। सबसे जो ज्यादा है यह हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, इस तरह पैराबोला की 1 है, इलिप्स की इससे कम है, 1 से कम है, जबकि सर्कल की जो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि पैराबोला इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, sin θ = 3/5, cos θ = 4/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस।
ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मैंने इसका फार्मूला दिया था इसी वीडियो में, तो लेट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये है इसका सलूशन, sin थीटा गिवन है, cos थीटा गिवन है और cos 2 थीटा मालूम करना है। अब इसके लिए फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस, ये माइनस है, sin अल्फा sin बीटा। इसी फार्मूले से हम ये जो फार्मूला है इसको डिराइव कर सकते हैं, अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बन जाए तो ये 2 अल्फा या 2 थीटा बनेगा और ये इक्वल होता है cos थीटा स्क्वायर माइनस sin थीटा स्क्वायर के। अब यहाँ पर sin थीटा जो वैल्यू है या cos थीटा की जो वैल्यू है 4 बाई 5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3 बाई 5 होल स्क्वायर, ये 16 बाई 25 है माइनस 9 डिवाइड बाई 25 है, इसका एलसीएम ले लो 7 डिवाइड बाई 25 इसका रिजल्ट होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है 7 डिवाइड बाई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है इसका क्या मालूम करना है, इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हम इसको कहते हैं, तो इसका डेरिवेटिव भी आई थिंक जस्ट वन स्टेप है, यह एक बेसिक फार्मूला है, ये एक बेसिक फार्मूला है एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है, अब एक्सपोनेंशियल में ये होता है कि अगर इसका बेस कांस्टेंट है और ये ई से अलग है, ई होता है हमारे साथ नेचुरल, जबकि ए एनी वैल्यू हो सकता है और ई की वैल्यू 2.785 है, जबकि ए की वैल्यू एनी हो सकता है, इट मीन 3, 2, 9 समथिंग एनी वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल है ये बाहर डेरिवेटिव से ऐसा ही निकलेगा जैसा ये फंक्शन है, इस तरह नेचुरल लॉग ऑफ ए यहाँ पर होगा और डी बाई डी सब एक्स इक्वल टू 1 है तो आपके साथ ये होगा एरेस्ट ऑफ और एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये डेरिवेटिव ऑफ ये जो वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट क्या है, करेक्ट रिजल्ट यहाँ पर है ऑप्शन डी एरेस्ट ऑफ और एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वल टू होता है 1, अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो cos थीटा की वैल्यू है ये sin थीटा की वैल्यू, आप इसको कंफर्म कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू को फुट कर दो आपको रिजल्ट 1 देगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 32, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सिंपल फार्मूला है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 33 है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है नेचुरल लॉगरिथम एक होता है कॉमन लॉगरिथम, तो नेचुरल लॉगरिथम का बेस ई होता है जबकि कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है 4x रेस्ट ऑफ पावर माइनस 9 dx इज इक्वल टू व्हाट, इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे साथ जो आपने यहाँ पर इस स्टेप को फॉलो करना है, तो यहाँ पर 4x रेस्ट ऑफ पावर माइनस 9 dx इज इक्वल टू व्हाट, तो मैंने यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन से बाहर निकल लिया क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आपने अगर इंटीग्रेशन आपके पास है x रेस्ट ऑफ पावर माइनस 9 या एनी पावर है x का, तो आप जो सिंपल यहाँ से एक को ऐड कर दो और इसी पावर से जिसका इसका पावर जिसका भी होगा इसी को इस पर डिवाइड कर दो, प्लस सी कंसर्व इंटीग्रेशन तो हम हर जगह लिखते हैं इससे कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर ये है 4 बाई डिवाइड बाई माइनस 8 एक्स रेस्ट ऑफ पावर माइनस 8 बनेगा यहाँ पर प्लस सी, अब प्लस सी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं तो हमें कोई भी मसला नहीं है इससे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है इसी पेपर में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4 माइनस 4 एक्स रेस्ट ऑफ पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है अंडर ये क्यूब रूट 16 है, अब क्यूब रूट 16 को ये ऐसा ही सिंपल है लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया है, तो लेट इसको दिखाता हूं कि किस तरह आप इसको कवर करेंगे, तो ये है 16 और रेस्ट ऑफ और 1/3। अब 16 को हम लिखते हैं 2 रेस्ट ऑफ और 4 हम इसको लिख सकते हैं, इट मीन अगर 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो ये 16 के बराबर होता है, तो ये है 4/3, अगर एक पावर ये है दूसरा पावर इसके ऊपर है तो अब ये दोनों मल्टीप्लाइड होकर 4/3 बनेगा, तो रिजल्ट है ऑप्शन ए
फोर बाई थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. एफ इज इक्वल टू के एक्स गिवन है. अब एफ इज इक्वल टू के एक्स में ये होता है हुकला, ये लेट सपोज एक वायर है, इसका लेंथ है लेट, मैं इसको लेता हूं एल, ये इसका लेंथ है एल. अब मैंने यहां पर फोर्स एफ अप्लाई कर दिया, एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये है एफ फोर्स जिसकी वजह से इसकी एक्सटेंशन इतना एक्स बनेगा. लेट सपोज मैंने प्लस के साइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये जो एक्सटेंशन है ये डिपेंड करता है फोर्स पर. अगर फोर्स ज्यादा है जो वेरी सिंपल है, अगर हम एक रबर पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो रबर इतना एक्सटेंड होगा जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कौन सा, एक्स होगा. एक्स डिपेंड करता है फोर्स पर. क्वेश्चन नंबर 37 है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर. एक ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो ये कंकरंट होता है, कंकरंट और पैरेलल परपेंडिकुलर होता है. तो ये एक्चुअली होता है कंकरंट. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है. ये कंकरंट हम इसको कहते हैं, लेट मैं आपको दिखाता हूं, ये होता है कंकरंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो ये जितनी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप यहाँ पर है, तो एक सिंगल पॉइंट से पास होता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी. जब भी कंकरंट हम इस पार में बोलते हैं, जबकि यहाँ पर लेंथ ये सेम हमें देता है, तो हम इसको कंकरंट कहते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 38. बी रेस्ट ऑफ पावर एन इज इक्वल टू बी रेस्ट ऑफ पावर एन. ये तब इक्वल होगा बेस, तो बेस की बराबर तो सिंपल है, लेकिन ये इक्वलिटी तब होल्ड होगा जब यहां पर एम और एन इक्वल होगा. इट मीन ऑप्शन सी होल्ड होगा, तब ये इक्वल होगा. क्वेश्चन नंबर 39. द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज व्हाट. तो ये क्वेश्चन भी मैंने तकरीबन इससे पहले वीडियो में सॉल्व किया था. लेट मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसको किस तरह कवर करेंगे. तो लेट सपोज एक पॉइंट, यहां पर एक डिस्टेंस हम लेते हैं, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज पॉइंट ए एंड बी. अब ये डिस्टेंस हमको इसको रिप्रेजेंट करता है, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब ए है -37, बी है 0.9. मैंने जिस इसको नाम दिया यहाँ पर x1y1 पॉइंट ए को दिया और x2y2 ये पॉइंट बी को दिया. अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला है, ये फार्मूला इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये फार्मूला ये डिस्टेंस फार्मूला है. अब डिस्टेंस फार्मूला से आप जस्ट यहाँ पर फुटिंग कर दो तो आपके साथ ये रिजल्ट हुआ. यहाँ पर x1 की वैल्यू x2 -x1, तो x2 की वैल्यू है 5, यहाँ पर x1 की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर ये माइनस फार्मूला के, यहाँ पर ये माइनस तो ये प्लस बनेगा. यहाँ पर 9 ये है y2, जबकि y1 है 7, तो 9 -7 होल स्क्वायर. तो अब आपके साथ जो रिजल्ट होगा वो है 8 स्क्वायर 64 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. दिस इज द करेक्ट रिजल्ट. तो अब मैं दिखाता हूं कि कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है. तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. डिटरमिनेंट ऑफ दिस. तो ये वेरी सिंपल है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो. तो ये होता है डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट पे ए गिवन है, जस्ट इसको सिंबल में लिख दो. अब ये जो है डायगोनल एलिमेंट है ये दोनों, ये 6 और -5 इसको मल्टीप्लाई करो, डायगोनल एलिमेंट होता है माइनस, आप डायगोनल को मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 × 4 = 12. ये माइनस और ये, तो ये -30. करेक्ट रिजल्ट हुआ -42. तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिजल्ट.